सूबे की कानून व्यवस्था को लेकर विवाद जारी है। इस बीच बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार के नए डीजीपी एसके सिंघल पर हमला बोला है। डीजीपी पर तंज कसते हुए तेजस्वी ने ये कहा कि एसके सिंघल ने भी अब सूबे के मुखिया नीतीश कुमार की लाइन धर ली है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, सीएम नीतीश की ही तरह डीजीपी भी बीते दिनों की बात कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कहा कि बिहार के डीजीपी कह रहे हैं, मेरे कार्यकाल से अधिक अपराध तो पूर्व डीजीपी के कार्यकाल में था। विगत 16 वर्ष में अनेक डीजीपी आए गए। पुलिस के अपने आंकड़ों के मुताबिक 2008 से निरंतर अपराध में वृद्धि हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री वही है। डीजीपी ने भी अब नीतीश कुमार की लाइन धर ली है कि वर्तमान छोड़ भूत की बात करो। दरअसल सीएम नीतीश की फटकार के बाद बिहार के नए डीजीपी एसके सिंघल डीजीपी बनने के बाद पहली बार पटना स्थित एसएसपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में रुपेश हत्याकांड समेत सूबे की अन्य आपराधिक घटनाओं की समीक्षा की। बैठक के बाद वे मीडिया से मुखातिब हुए, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकाल में अपराध में भारी कमी आई है। आप भी सुनिए और क्या कुछ कह रहे हैं डीजीपी एसके सिंघल। हर तरह से एनालिसिस कर तो लिया, अरे भाई 2018 से कर लिया, 19 का कर लिया, 20 का कर लिया, नवंबर का नवंबर से कर लिया, जनवरी से नवंबर का उसका कंपैरिजन कर लिया। अरे किसी में तो कमी आया, किसी में तो बढ़ोतरी होगी, तो ना मैं बोलूंगा कि बढ़ोतरी हुई है। हाँ, 19 के डाटा में बढ़ोतरी है, जिसकी आप चर्चा नहीं करते कभी। एक मिनट, अरे बात होने दे बेटा। 2019 की जो बढ़ोतरी, उसकी बात क्यों नहीं करते हैं आप लोग? तो सुना आपने, डीजीपी ने कहा कि हमने 2019 और 2020 की तुलना की है, 2019 की तुलना में 2020 में सारे अपराध में भारी कमी आई है। उनके इसी बयान पर अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तंज कसा है। गौरतलब है कि एसके सिंघल से पहले बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे थे, लेकिन राजनीति में एंट्री मारने के लिए उन्होंने वीआरएस ले लिया था।